जी बिल्कुल, देखिए हमेशा मौजूद हैं शहर कायद में पीआईबी से मुतसिल उस्मानिया कॉलोनी गौसिया कॉलोनी में, जहां सीवरेज का निजाम जो है वो धर्म धर्म हो चुका है। इलाका मकीन शदीद परेशानी का सामना कर रहे हैं, इसी सीवरेज के पानी से, गटर के पानी से निकल के जो है वो यहाँ से जाना पड़ता है। मेरे कैमरामैन अगर मेरे पस मंजर में दिखाएं तो ये मेन गटर है, जो मेन होल है, जो इस वक्त पानी उबल उबल के यहाँ से जो है वो पूरा गटर नीचे बैठ चुका है। और अब ये हाल है कि मुख्तलिफ वबाई अमराज जो है वो एरिया में फैल रहे हैं, जिसके बाय से शहरी जो है वो शदीद परेशानी का सामना कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे मुख्तलिफ इस एरिया के रिहायशी मौजूद हैं, जानते हैं इनसे कि ये क्या किस तरीके से ये गटर लाइन जो है वो टूटी है और टूटने के बाद जो है वो ये ऊपर आना शुरू हो गया और पानी इस तरह से भरा हुआ है। जी बताइएगा, ये किस तरीके से गटर लाइन टूटी? कोई हैवी ट्रैफिक आया था, कोई ट्रक आया था कि जो ये गटर लाइन पूरी टूट गई और इस वक्त जो है पानी पूरे इलाके में हुआ? नहीं नहीं सर, यहाँ कोई इस तरह का कोई ट्रक या कोई ऐसी बड़ी गाड़ी नहीं आई थी जिसकी वजह से ये निजाम खराब हुआ। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे गटर उभर रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर काफी वबाई अमराज फैल रहे हैं और आने जाने में लेडीज को, दूसरे लोगों को, नमाजी हजरात को बहुत परेशानी हो रही है। परेशानी की वजह से जो है लोग बेचारे बहुत परेशान हुए हैं, बहुत यहाँ के जो इलाका मकीन है, हम भी यहीं पर ही रहते हैं। अच्छा, आप लोगों ने किसी आला हकाम से, किसी केएमसी से कहीं रब्ता किया, कोई शिकायत दर्ज कराई कि यहाँ पे ये पानी फैल रहा है? अरे जनाब, यहाँ कोई सुनने वाला है कहाँ? किसी से भी शिकायत करो, ये हमारे पीछे ही यूसी का दफ्तर है, लेकिन यहाँ पर कोई किसी किस्म का रद्द अमल नहीं किया जाता, कोई इसके ऊपर हिकमत अमली नहीं होती। अब ये आप देखें, यहाँ वजह क्या बताई गई कि ये पानी क्यों निकल रहा है? ये इसकी कोई वजह यहाँ नहीं बताई जाती, बस ये जब भी अगर कोई शिकायत के लिए जाया जाए तो कोई किसी किस्म का कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता कि यहाँ पर लोग जो है परेशान हैं बेचारे, वो किस तरह यहाँ से गुजर रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमारी के अमराज फैल रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे इस इलाका मकीन ने बताया कि वबाई अमराज जो है वो फूट चुके हैं बुरी तरीके से, मुख्तलिफ किस्म के बुखार और नज़ले जुकाम और दाने निकलने की जो है वो बीमारी, जल की बीमारियां जो है वो सामने देखने में आ रही हैं। जबकि कई बार जो है बारहा यूसी के दफातर में और मलहका दफातर के अंदर जो है वो शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन जो है वो कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी तरीके से या इसी पानी से जो है वो गुजर के लोग जो है वो मसाजिद के लिए भी जाते हैं, बच्चे स्कूल के लिए भी जाते हैं। एक और इलाका मकीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो जिनसे हम बात करेंगे अभी। जी बताइएगा, ये क्या वजह है कि ये पानी जो है इस तरह? तकरीबन हमारे गली के अंदर 4 महीने से ये मसला चल रहा था। मैं खुद बजाय यूसी में सब जगह दरखास्तें दी, उनका 4 महीने के बाद आज जो रिजल्ट आया अभी कुछ ही देर पहले, क्योंकि हमारे इधर पड़ोसियों में दरखास्तें देते रहे, मैं तमाम जगह देता रहा। अगर किसी पार्टी के एक्स वाई जेड किसी को भी बोलो, उनका यही कहना था यार 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, 12,000 दे दो, इसके अलावा सरकारी इदारे से काम नहीं आएगा। ये मसला अभी आप कुछ बता रहे हैं कि कोई हल निकला है, क्या हल निकला है? हल यही निकला है, यूसी से दरखास्तें दी थी उन्होंने, अपने टाउन में भी कहा, उधर से पाइपलाइन आए, मैं खुद सुबह से लगा अभी पाइप लेके आया हूँ टाउन से। पाइप आप ले आए हैं? तो पाइप ले आए हैं तो क्या उन्होंने कहा है कि ये कब से काम शुरू करेंगे, कब से? ये कल से इंशाल्लाह काम स्टार्ट हो जाएगा, पहले होगा मेन रोड का, उसके बाद गली का भी होगा। जी बिल्कुल, जैसे उन्होंने बताया कि यूसी ने जो है वो थोड़ा इनका एक्शन लिया है इलाका मकीन की शिकायत के ऊपर, और यहाँ पे जो है वो पाइप और मुख्तलिफ चीजें जो है वो यहाँ पहुँचानी शुरू कर दी है, और कल से जो है वो मेन पीआईबी वाले रोड के ऊपर जो है वो काम होगा, और उसके बाद जो है गौसिया कॉलोनी, उस्मानिया कॉलोनी, मुलैका इलाके जहाँ जहाँ वो इस पर अफेक्टेड है, उन सब जगह भी काम होगा। जी।